राखी पर भाइयों के लिए कुछ हैंडमेड किया जाए तो कैसा रहेगा। चलिए अब चलते हैं एक्टर आयशा सिंह के पास, जो अपने भाई के लिए बना रही हैं हैंडमेड राखी और कार्ड। रियल इश्क का रंग सफेद से फेम पाने वाली एक्टर ईशा सिंह आज यू मी और टीवी के साथ सेलिब्रेट कर रही है राखी फेस्टिवल। एवरीवन, सो आज यू मी और टीवी मेरे घर आया है। क्यों आया है? अरे भाई, रक्षाबंधन है ऑब्वियसली, सो आप सभी को अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। अब मैं क्या करने वाली हूँ आप सब सोच रहे होंगे, तो मैं कुछ अलग सा करने वाली हूँ। मैं अपने भाई के लिए कुछ कलरफुल सा, कुछ डिफरेंट, कुछ यूनिक एक बहुत प्यारा कार्ड बनाने वाली हूँ। बिकॉज मेरा जो भाई है मुंस रुद्राक्ष, उसको कार्ड मेकिंग का बहुत शौक है, वो सबको कार्ड्स बना के देता है। तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं उसके लिए कार्ड बनाऊं, तो मैं कुछ अच्छा सा बनाने वाली हूँ। ईशा ने अपने भाई के लिए सबसे पहले प्यार का कार्ड बनाया और उसको अपने हाथों से सजाया। तो मैं बहुत फॉर्म में आ जाती हूँ एंड मैं भूल जाती हूँ कि मैं फिर घंटों ले सकती हूँ इस चीज के लिए, एंड मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत पसंद है पर्सनली। तो बस अब मैं जुट गई हूँ, अब मुझे रोकते रहो, मैं नहीं रुकूंगी जब तक। मुझे ना ये हार्ट्स बहुत पसंद है, और मैंने ये हमारे स्कूल में सिखाया गया था, ऐसे पेपर फोल्ड करो एंड देन ऐसा एक शेप बनाओ, उसका कट कर लो, तो खूब सारे ऐसे हार्ट्स आ जाते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आपको कितना बड़ा हार्ट या कितना छोटा हार्ट चाहिए। तो मुझे थोड़ा बड़े चाहिए था, उससे थोड़ा छोटा, तो मैंने ये किया। और मुझे पिंक कलर बहुत पसंद है, हार्ट्स बहुत पसंद है। ये देखो पीछे डिजाइन भी आ गई है। मैंने लिखा है हैप्पी हैप्पी राखी मॉन्स्टर, क्योंकि वो हमारे घर का छोटू सा मॉन्स्टर है, वो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है। जब वो असली रूप में आता है तो वो मॉन्स्टर ही होता है, तो मैं उसको मॉन्स्टर बोलती हूँ। वैसे उसको बहुत प्यार आ जाता है, मुनवा बोलती हूँ। कार्ड के साथ साथ भाई को इम्प्रेस करने के लिए ईशा ने हैंडमेड राखी भी बनाई। तो मैं मुंस के लिए हैंडमेड राखी बना रही हूँ, मुझे हैंडमेड चीजें पसंद है, और हैंडमेड चीजों की एक वैल्यू ही अलग होती है, आई नो, बिकॉज मैं ये कार्ड अगर बाहर से खरीदती तो इतना अच्छा नहीं लगता। तो मैं ये राखी बना रही हूँ और यही उसको बांधूंगी। ओके, खैर ज्यादा मेहनत नहीं है, सिर्फ चिपकाना, लेकिन तब भी। ईशा का ये डेडिकेशन काबिले तारीफ है। चलिए ईशा, अब फटाफट से अपने भाई को बुलाइए और राखी बंधाइए, ऐसा ना हो कि कहीं मुहूर्त निकल जाए। राखी बोलो, अभी सरप्राइज देने वाली हूँ। हाँ, मेरे पास मेरे लिए बहुत अच्छा सरप्राइज है, और उससे पहले मैं आपको एक सरप्राइज देने वाली हूँ। दिखाओ ऊपर, कैसे लगा? क्या बात है ईशा, आपका भाई तो आपसे भी दो कदम आगे है, आपको गिफ्ट तो पहले ही दे दिया। ईशा ने राखी बांधी और फिर वो कार्ड दिया जो उन्होंने बड़े प्यार से भाई के लिए बनाया था। ये बताओ, मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब मैंने इतनी ज्यादा क्रिएटिव चीज अपनी लाइफ में नहीं देखी। इसके लिए आज तक की नहीं है ना। ओके, क्या? पागल, दोस्त, लड़ाकू, स्टिल यू आर द बेस्ट, आई लव यू द मोस्ट मून, और माय ब्रदर हैज द कूलेस्ट सिस्टर। डू यू एग्री? डू यू एग्री? डू यू एग्री? तुम्हें लगता है, डू यू फील में ऐसा है? या लिटिल बिट। I smile because you are my brother. I laugh because there's nothing you can do about it because you have to jhelo me anyway. Meri writing tumhe samajh nahi aati hai na? Nahi aati hai. Ye bhi. It is job to annoy. No, yahan se. I'm sorry, maine aise likha hai. I will read it out. It is my job to annoy you, no matter how old you are. Okay. जाते जाते दोनों भाई बहनों ने यूमी और टीवी के साथ प्यार भरी बातें भी शेयर की। ऑल द व्यूअर्स ऑफ यूमी एंड टीवी, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन, हैव फन, इस बॉन्ड को एंजॉय करो, दिस इज वेरी स्पेशल, एंड खूब लड़ो अपने भाइयों से, खूब मारा पीटी करो, बिकॉज ये टाइम वापस नहीं आएगा। वैसे ही मून्स कुछ टाइम बाद पढ़ने, हम इसे बाहर भेज देंगे, देन मेरे इस घर पे राज चलेगा। एंड ये भी बोलता है कि इसकी शादी कब होगी ताकि ये जाए, विच इज सो बैड। मैंने नहीं बोला था। अच्छा, अभी तो मानेगा नहीं, बट मुझे याद है कि बोल रहा था कि मॉम से, मैं इस रूम में थी एंड मॉम वहां बात करता, बोलते एक बात बताओ, ये कब शादी होगी, ये जा कब रही है यहाँ से। आई वाज सो शॉक कि अभी से मुझे भेजने की बात कर रहा है। आई नो, मेरी विदाई पे सबसे ज्यादा यही रोने वाला है। वी होप कि आप दोनों भाई बहनों का रिश्ता यूं ही साल दर साल चलता रहे और आगे बढ़ता रहे।